ये बच्चा जनरली अपने घर से कुछ भी नहीं लेके आता है। ज़्यादातर बच्चों का बैकग्राउंड ऐसा है कि जो गार्जियन का पक्ष है वो जीरो है। गार्जियन के पास इतना भी समय नहीं होता है कि वो जब बच्चा स्कूल से घर जाए तो वो ये पूछे कि यहाँ तक क्या पढ़ के आए हो या कल क्या पढ़ के जाना है। दो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं गार्जियन। हम लोग अपने बच्चों से जनरली दो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं कि आज आपके विद्यालय में क्या पढ़ा, कल के लिए आपको क्या करके जाना है। हम लोग डायरी चेक करते हैं। जनरली हम लोग के स्कूल में डायरी का प्रचलन कम है। कुछ टीचर ऐसे हैं जो अपने एफर्ट से पर्सनल एफर्ट से डायरी वगैरह बनवाया जिसमें होमवर्क वगैरह बनवाते हैं। उसका असर भी होता है कि अगर बच्चे ने कोई चीज़ लिखा है कि ये काम मुझे कल करके जाना है तो जनरली वो उसको अगर घर पर जाके देखा तो उसको पता होता है। नहीं तो क्या होता है कि वो भूल जाता है कि मुझे क्या काम मिला है, फिर आके अगले दिन बोलता है कि आपने कहा था लेकिन मैं भूल गया। प्राइवेट स्कूल में एक प्रचलन बहुत अच्छा है कि छोटे से बच्चे से भी उसके हाथ से ही लिखवाते हैं। जनरली टीचर नहीं लिखता है कि आपको कल ये कर। कई बार शुरू में हमको लगा कि तो अजीब है, बड़ा उल्टे सीधे लैंग्वेज में लिख के आता, समझ ही नहीं आता कि क्या करके जाना है। तो बाद में समझ में आया कि उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। बच्चा स्वयं लिखता है कि मुझे क्या करके जाना है, जिससे उसको पता होता है कि अगले दिन मुझे क्या करके जाना है। तो ये एहसास दिलाना बच्चे को ये टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कल क्या घर से प्रिपरेशन करके आनी है। गार्जियन को हम लोग ज़्यादा इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि गार्जियन जो है शिक्षा प्रिपरेशन बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको वो आग्रह ही नहीं है कि इसका महत्व क्या है। वो उस चीज़ को पैसे से ढूंढ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा फोर्स करोगे तो वो यही बोलते हैं कि भाई घर में काम चल रहा है, खेत में काम चल रहा है, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अलग से कोई मजदूर रख लें। तो हम क्या करते हैं, घर भर मिल के ही अपना घर भी बना लेंगे, अपना खेत भी बना लेंगे, खेत काट भी लेंगे। तो एक आर्थिक मजबूरी उनके साथ है, इसका सामना हम लोगों को बड़ी सच्चाई से करना चाहिए। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ज़्यादा बढ़